तो हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से अनबॉक्स करेंगे एक नई सी कार। ये जो हमारी कार है ये है रिमोट कंट्रोल फेरारी कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमारी कार होने वाली है। और हम लोगों के चैनल पर जो है 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो आप देखिए कुछ इस तरीके की हमारी कार है, कार का बॉक्स भी देखिए। तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सुपर कार रिमोट कंट्रोल ओपन द डोर। इसका जो डोर है ये ओपन होगा, मतलब बहुत ख़तरनाक कार हमारी होने वाली है। और 3 साल के ऊपर के जितने बच्चे उन सब के लिए हमारी ये कार है। और कहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, बस यही सब बातें। और लाइट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, हेडलाइट टेल लाइट जो भी हो दिखाते हैं आपको। और बस यही सारी बातें। तो चलिए इसको हम बॉक्स से बाहर निकालते हैं। ये है हमारी कार। लुक देखिए कितना कमाल का लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मतलब कैसी लग रही है इसका लुक। बहुत ही कमाल की हमारी कार लग रही है। बिल्ड क्वालिटी भी बताते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें ये कार मिलेगी और इसका एक चार्जिंग का केबल, और इसमें हमें 4 बैटरी मिल जाएगी जो NICD वाली आती है। ये थोड़ी कमज़ोर बैटरी होती है, बैकअप बहुत कम रहता है इसमें। और ये इसका रिमोट कंट्रोल, ये देखिए रिमोट कंट्रोल ऐसा है। तो कुछ इस तरीके की हमारी कार है। आप डिज़ाइन देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये देखने में कैसी लग रही है। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही है। जिस हिसाब से ये लोग प्राइस लिए हैं, प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 800 रुपये के आसपास में ये आपको फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली है। तो उस हिसाब से बहुत ही सही है। यहाँ पर देखिए डिज़ाइन तो एकदम गज़ब की, जैसे फिरारी कार होती है, रियल वाली फिरारी ने। हाँ सही, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्वालिटी बहुत ही तगड़ी। और यहाँ पर देखिए हेडलाइट और इसकी टेल लाइट यहाँ पर दी गई है। और क्या दिखाएं, इसका डोर जो होता है मतलब है वो ओपन होगा। अभी जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे तब देखिएगा कितना कमाल का लगता है इसका डोर, मतलब कि बहुत ही तगड़ा। पीछे से देखते हैं, पीछे से अभी पता चलेगा जब हम बैटरी लगाएंगे। और यहाँ पर इसकी सीट भी आप देख सकते हैं, 2 सीट इसमें लगाई गई है जो देखने में बहुत ही तगड़ी लग रही है। और टायर की बात करते हैं तो टायर आपको रबड़ के देखने को मिल जाएंगे जो सही है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। अब अगर आप इसको ऊबड़ खाबड़ इलाके में चलाएंगे तो अटक भी सकती है, अगर प्लेन सरफेस पे चलाएंगे तो बहुत ही सही तरीके से चल पाएगी। और यहाँ पर सामने का हिस्सा देखिए वो भी एकदम गज़ब का देखिए। और यहाँ पर देखिए इसका ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर बैटरी लगाने वाला दिया गया है। तो चलिए इसमें हम बैटरी लगाते हैं। यहाँ से आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। अभी इसको हम ऑफ़ रखेंगे या और दिखा देते हैं आपको चार्जिंग। यहाँ से आप कर पाएंगे, चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पर दिया गया है ये केबल की मदद से। अब हम बात करते हैं रिमोट की। तो रिमोट आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी भी सही मिलने वाली, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। लगभग 800 रुपये के अंदर ऐसा रिमोट जैसा मिल रहा है, उस हिसाब से बहुत ही सही रिमोट हमें मिलने वाला है। ये देखिए आगे पीछे करने के लिए, और ये वाला है लेफ़्ट राइट करने के लिए, ऐसे दिया गया है। और यहाँ पर बीच में इंडिकेटर भी दिया गया। तो चलिए इसमें हम बैटरी लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि और इसकी हम हेडलाइट आपको दिखा देते हैं। जब आप इसके आगे वाला बटन दबाएंगे तो हेडलाइट देखिए चलती है। पीछे पे देखें, पीछे वाला आगे कर दें तो आगे की लाइट जलती है, पीछे करते हैं तो पीछे की लाइट यहाँ पर नहीं जलेगी। यही थोड़ी सी दिक्कत है कि क्या है, चलिए छोड़ते हैं। आगे की लाइट लेकिन यहाँ पर जलेगी, जो हेडलाइट है जब आगे भगाएंगे, पीछे करेंगे तो नहीं, आगे से ऐसे आगे करेंगे तो आगे की हेडलाइट ये जलेगी। तो इसका डोर आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है जब इसको आप खोलेंगे। ऐसे देखने में बहुत ही तगड़ी हमारी कार लग रही है। ये देखिए डोर जब हम ओपन करते हैं। तो चलिए इसको हम रोड पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी यह कार चलती है, स्पीड कैसी आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, तो चलिए आपको हम इसको चलाकर दिखाते हैं कि इसमें आपको कैसी स्पीड मिलने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं स्पीड के मामले में हमारी यह कार बहुत ही सही है। जिस हिसाब से एक फिरारी कार होनी चाहिए थी स्पीड के मामले में, वैसी हमारी कार है। लेकिन जो हमारी सड़क है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कि जैसे प्लास्टर होता है उस तरीके की नहीं, ढलैया वाली है। तो
इस जगह पर बहुत ही सही तरीके से चल पाती है, लेकिन थोड़ा उछड़ती है, जंप करती है। और रिमोट कंट्रोल की बात करें तो रिमोट कंट्रोल भी बहुत ही सही तरीके से काम करता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पर इसकी आप हेडलाइट भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हेडलाइट भी इसकी जलती है, जो देखने में बहुत ही कमाल की लगती है। जब ये चलती है तो इसका आप लुक देख सकते हैं, कितना कमाल का लगता है, मतलब क्या ही बताएं, एकदम लाजवाब कार हमारी है। 800 रुपए के अंदर ऐसी कार मिल पाना मुझे तो नहीं लगता कि मिल पाएगी। अब शायद हो सकता है इसका दाम भी बढ़ गया, लेकिन जब मैंने इसको लिया था तो 800 रुपए के आसपास में मुझे एक हमारी कार मिली थी। देखने में तो बहुत ही लाजवाब कार है, जैसे एक फिरारी कार होनी चाहिए। जिस प्राइस पॉइंट में आती है उस प्राइस पॉइंट में बहुत ही एकदम क्या बताएं, बहुत ही अच्छी कार है। तो चलिए हम सब लोगों को शाउट आउट दे देते हैं जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। तो पहला नाम है मिडनाइट टॉय अनबॉक्सर, फिर वाले गेम्स, नद्दू टीवी, फैक्ट्स वाले, टॉय टीवी, नहर सिंह, इन्फू अरेना, एंड आठवां है मास्टर। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। अगर आप भी शाउट आउट पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में शाउट आउट ज़रूर से दूंगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमारी यह कार चलती है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड आपने देखा बहुत ही सही स्पीड आपको इसमें मिलने वाली है, और रिमोट कंट्रोल भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। जिस हिसाब से इसकी प्राइस है लगभग 800 रुपये, तो उस हिसाब से बहुत ही सही हमारी यह कार है। अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर जाकर खरीद सकते हैं, बहुत ही सही कार है। बस आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही टॉय वाले वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी टॉय की अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।